अब हम देश में काले धन वाली उस अर्थव्यवस्था का डीएनए टेस्ट करेंगे जिसे पानी देकर काले धन का पेड़ बनाने का काम आप यानी देश के आम लोग करते हैं। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि आप भी हर रोज कहीं ना कहीं काले धन की अर्थव्यवस्था का पोषण कर रहे हैं, उसका हिस्सा बन रहे हैं। असल में ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक बिल में छुपा होता है। हम उस बिल की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं जिसमें चूहे और दूसरे छोटे जानवर छिप जाते हैं, ये वो बिल नहीं है। हम उस बिल की बात कर रहे हैं जो आप सामान खरीदने के बाद दुकानदार से मांगते नहीं हैं और इसका फायदा उठाकर दुकानदार टैक्स नहीं चुकाता और फिर ये रकम ब्लैक मनी बन जाती है। यानी आपके घर में भले ही ब्लैक मनी ना हो लेकिन दुकानदार से बिल ना मांगकर आप ब्लैक मनी के निर्माण में सहयोगी बन जाते हैं और आपको इस बात का पता भी नहीं चलता। इसलिए आज हम इस विश्लेषण के जरिए बिल में छिपे काले धन को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे दुकानदार से पक्का बिल मांगकर आप इस बात को पक्का कर सकते हैं कि आप काले धन के निर्माण में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप में से शायद बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि आप 50 पैसे लेकर 50,000, 50 लाख, 50 करोड़ या उससे भी ज्यादा रकम की वस्तु खरीदने पर उसका बिल मांग सकते हैं और दुकानदार आपको बिल देने से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग थोड़े से पैसे बचाने के लिए दुकानदार से पक्का बिल नहीं मांगते, फिर दुकानदार इसका फायदा उठाते हैं, वो अपनी सेल और टर्नओवर को कम करके दिखाते हैं। ऐसा करने पर दुकानदार या तो टैक्स देने से बच जाते हैं या फिर उन्हें बहुत कम टैक्स चुकाना पड़ता है और जाने अनजाने में आप दुकानदार के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था में काले धन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। अब हम यही बात आपको एक उदाहरण की मदद से समझाना चाहेंगे। मान लीजिए आपने अपने शहर या गांव में फर्नीचर की दुकान से 1,000 रुपए की एक कुर्सी खरीदी। आमतौर पर भारत में वैट की दर 12.5% से 15% के बीच है। अगर ये मान लिया जाए कि जिस राज्य में आप ये कुर्सी खरीद रहे हैं वहां वैट की दर 12.5% है तो दुकानदार को आपसे 1,125 रुपये मांगने चाहिए क्योंकि इसमें 12.5% का वैट भी जोड़ा जाएगा। लेकिन आप दुकानदार से मोलभाव करते हैं और दुकानदार आपसे कहता है कि आप 1,000 रुपये में ये कुर्सी ले जाइए, लेकिन वो आपको इसका पक्का बिल नहीं देगा। वो आपसे ये भी कहेगा कि वो आपको पहचानता है और बाद में कोई गड़बड़ नहीं होगी और वो अगर कोई गड़बड़ होती है तो कुर्सी को बदल देगा। आप 125 रुपये बचाने के लिए दुकानदार का ऑफर खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं और इस तरह से टैक्स के 125 रुपये सरकार तक नहीं पहुंचते और यही टैक्स चोरी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है। ये भी काला धन है और इस काले धन के निर्माण में आप भी सहयोगी हैं, भागीदार हैं। अब मान लीजिए कि यह दुकानदार एक वर्ष में 1,000 कुर्सियां बेचता है और उसकी कुर्सियों की कुल बिक्री हुई 10 लाख रुपए। अब अगर वो ग्राहक को पक्का बिल देता और इस पर 12.5% का वैट वसूलता तो सरकार को रेवेन्यू के तौर पर 1,25,000 रुपए मिलते। लेकिन आपने दुकानदार से पक्का बिल नहीं मांगा और दुकानदार ने इस सेल को अपने टर्नओवर में जोड़कर नहीं दिखाया। इस तरह से दुकानदार द्वारा की गई टैक्स चोरी में आप उसके सहयोगी बन गए और सरकार को 1,25,000 रुपए का टैक्स नहीं मिला। इसी टैक्स से किसी राज्य या देश में सड़कें बनाई जा सकती हैं, अस्पताल बनाए जा सकते हैं, सरकारी स्कूल खोले जाते हैं और कई तरह के विकास कार्य किए जाते हैं। लेकिन ये टैक्स चोरी अर्थव्यवस्था में काला धन बनकर उसे नुकसान पहुंचाती है। कई बार दुकानदार ग्राहकों को कच्चा बिल पकड़ा देते हैं। कच्चा बिल दरअसल एक तरह का सादा कागज होता है जिस पर लेन देन की रकम लिखी होती है, लेकिन ये पक्का बिल नहीं होता और इस पर टिन यानी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी नहीं होता। जिस तरह पैन नंबर के जरिए लेन देन करने पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में आ जाता है, उसी तरह जब आप दुकानदार से टिन वाला बिल मांगते हैं तो वो सेल और परचेज भी रिकॉर्ड पर आ जाती है। अगर दुकानदार का टर्नओवर 5 लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा होता है तो उसे सरकार को सेल्स टैक्स चुकाना पड़ता है और इसका पता टिन से ही चलता है। इतना ही नहीं, दुकानदार की जो आय होती है उस पर भी उसे इनकम टैक्स देना होता है। फिलहाल 2,50,000 रुपए प्रति वर्ष से ज्यादा की आय पर इनकम टैक्स देना होता है। यानी कभी कभी दुकानदार
सेल टैक्स की चोरी कर लेते हैं तो कभी कभी गैर कानूनी तरीके से इनकम टैक्स भी बचा लेते हैं। ये एक तरह से डबल टैक्स चोरी है और इससे ब्लैक मनी का निर्माण होता है। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको छोटी से छोटी वस्तु या सेवा खरीदने पर पक्के बिल की मांग करने का पूरा अधिकार है, आपको पूरा हक है, चाहे आप कोई सर्विसेज ले रहे हैं या कोई सामान खरीद रहे हैं। और कोई भी दुकानदार, चाहे वो छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो, आपको बिल देने से इनकार नहीं कर सकता, चाहे आपने छोटी से छोटी खरीदारी ही क्यों ना की हो। लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से और कुछ पैसे बचाने के लालच में बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते। छोटे से छोटे सामान और सेवा के बदले में, यानी सर्विसेज के बदले में बिल मांगना आपका अधिकार है, और ऐसा करके आप देश के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा करके आप ब्लैक मनी के निर्माण में सहयोगी नहीं बनेंगे, भागीदार नहीं बनेंगे। हमारी टीम ने आम आदमी द्वारा पैदा किए जा रहे इस काले धन का एक ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट किया है, और आप में से बहुत से लोग दुकानदार से बिल सिर्फ तभी मांगते हैं जब आपको किसी चीज की वारंटी या गारंटी की फिक्र होती है। अगर ऐसा है तो आपको हमारा ये विश्लेषण बहुत ध्यान से देखना चाहिए। हमारा ये डीएनए टेस्ट देखने के बाद आप टॉफी से लेकर जेवर खरीदते वक्त भी दुकानदार से बिल जरूर मांगेंगे, क्योंकि यही पक्का बिल इस बात की पक्की गारंटी है कि आपका पैसा देश के निर्माण में मदद करेगा और ब्लैक मनी को देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं बनने देगा। एक ये देना, कितना? ये तो 34 रुपए है ना। मैंने आपसे 10 रुपए की आइटम मांगी थी, है ना? आपने मुझे बिल नहीं दिया। सरकार ने पुराने नोट बंद करके काले धन पर कोड़ा तो मारा, लेकिन आपकी उस पुरानी आदत का क्या जो अर्थव्यवस्था में काले धन का निर्माण करती है? क्या आपको पता है कि दुकानदार से बिल न मांगना एक बुरी आदत है और ये देश के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे देश को ब्लैक मनी वाला रोग हो जाता है। आपने बैग लिया यहाँ से? हाँ। कितने में लिया आपने? 200 में। हाँ। बिल लिया आपने? नहीं। बिल दिया इसमें? नहीं दिया। आप जाने अनजाने हर रोज देश की अर्थव्यवस्था को अपने हाथों से ब्लैक मनी वाला इंजेक्शन लगा रहे हैं, और आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि आप जिस ब्लैक मनी से पीड़ित हैं, उस मर्ज को पैदा करने में आपकी भी हिस्सेदारी है। इस बात को समझाने के लिए हमने दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट का उदाहरण लिया है। देश भर में ऐसे हजारों बाजार हैं जहाँ रोज बड़ा कारोबार होता है। आप खुद से पूछिए कि आपने जब आखिरी बार ऐसी किसी मार्केट से कोई कपड़ा खरीदा था तो क्या आपने दुकानदार से पक्का बिल मांगा था? आपको शायद याद नहीं होगा, इसीलिए हम आपको आपकी ही खरीदारी का एक रीकैप दिखाना चाहते हैं। सरोजनी नगर जैसे बाजारों में दो तरह के विक्रेता होते हैं, एक जो रेहड़ी पटरियों पर दुकान लगाते हैं और दूसरे जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं। आपने गौर किया होगा कि यहाँ की बड़ी बड़ी दुकानों के आगे ही छोटी दुकानें भी खुली हुई हैं। इन बड़ी दुकानों के अंदर जाकर आप खरीदारी का बिल मांगेंगे तो शायद आपको बिल मिल भी जाए, लेकिन जो छोटी दुकानें हैं उनसे खरीदारी करने पर आपको कोई बिल नहीं मिलता। दरअसल बड़ी दुकानों के आगे बनी ये छोटी दुकानें टैक्स चोरी का अड्डा है। ग्राहक इन दुकानों से सामान खरीदते हैं और कोई बिल नहीं मांगते। दुकानदार भी पटरी पर दुकान होने का बहाना करके बिल नहीं देते, लेकिन जब हमने दुकानदारों और ग्राहकों से बात की तो पता चला कि इन दुकानों के जरिए एक तरह से टैक्स चोरी की जा रही है। टी शर्ट खरीदी दो। और कितने कितने में खरीदी आपने? 250-250 रुपए में। 250-250 रुपए, मतलब ये लिखा हुआ है जो रेट, इसी पे आपने खरीदा है और ये यहाँ बाहर रखा हुआ है। इसके लिए आपको दुकान के अंदर जाने की जरूरत पड़ी? नहीं, यहीं पे ही पैसे कलेक्ट कर लिए गए। कोई बिल भी नहीं दिया होगा? नहीं, बिल तो अभी कोई नहीं दिया है। ये जो आपका ये दुकान और ये आपका ही है दोनों? नहीं, अलग है। ये अलग है। अंदर चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये बाहर भी कपड़े लगाए हुए हैं आपने, तो बाहर जो कपड़े खरीदे जा रहे हैं
उसका तो बिल नहीं दे रहे आप। रोड की बात नहीं कर रही सर, ये जो आपका यहाँ बाहर को ये लगा है, यहाँ पे लगा है ना आपके, इस पे रोड वाले घर नहीं लगे, वो भी ठीक। ये दुकान है और दुकान के बाहर ही कुछ और कपड़े लगे हुए हैं जो कि इन्हीं के ही हैं, लेकिन इन्होंने कहा ये इनके नहीं हैं, दुकान के नहीं हैं, लेकिन दुकान के अंदर से कहा गया कि इन्हीं के ही हैं। दुकान के अंदर तो बोला आपके ही हैं। अरे कौन से सर ने कहा कि ये इन्हीं के ही हैं? शाम को देंगे ना पैसे, शाम को देंगे पैसे इनको। हाँ नहीं, बिल तो बहुत ज़रूरी है, हम बिना बिल के तो वैसे भी नहीं लेते कुछ भी नहीं लेते नहीं, क्योंकि इससे ब्लैक मनी जनरेट होता है ना। इसी तरह इस बैग की दुकान के बाहर भी बैग की ही छोटी सी दुकान है, जहां ना कोई बिल दिया जाता है और ना ग्राहक बिल मांगते हैं। अंदर बैठे दुकानदार से जब हमने उसकी बिल बुक में उस दिन की सेल दिखाने के लिए कहा तो वो नहीं दिखा पाया। ये जो दुकान है यहाँ पे भी पर्सेस बैग बेचे जा रहे हैं, दो हिस्सों में पर्सेस और बैग बेचे जा रहे हैं। एक हिस्सा जो आप अंदर जाके पर्स खरीदते हो या बैग खरीदते हो, शायद उसके लिए आपको बिल मिल जाता हो, लेकिन एक हिस्सा ये है जो दुकान के बाहर लगाया गया है, यहाँ पर आपको बिल नहीं दिया जाएगा। क्या आप बिल दिखाएंगे आप मुझे, आज कितने बिल दिए? सुबह से काम ही नहीं हुआ तो बिल कैसे दिया? फिर भी दिखा दो ना, कितने बिल आज के आए हैं? कहाँ गया मोनू, बिल पैड कहाँ रखे? यहाँ पर ज़रूर ये मशीन रखी हुई है जिसमें आप कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, और इसके बाद आपके पास कम से कम बैंक की स्टेटमेंट तो आ जाएगी, लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट आपको ये ध्यान रखना होगा कि बैंक स्टेटमेंट जो आपको मिलती है वो बिल नहीं है। मूल बात ये है कि दुकान छोटी हो या बड़ी, आप दुकानदार से बिल मांग सकते हैं और आपको बिल मांगना भी चाहिए, लेकिन जागरूकता की कमी और कुछ पैसे बचाने का लालच आम लोगों को ऐसा करने से रोक देता है। मैंने देखा कि दो तीन लोग खरीद के गए, आपने बिल नहीं दिया। ब्रांड लेंगे सबको बिल मिलेगा, ब्रांड लीजिए बिल सबके चल रहे हैं। अच्छा सबके बिल है हमारे पास, मना थोड़ी है। तो इसके क्यों नहीं है? इसके क्यों नहीं होते? इस पे आप प्रॉफिट नहीं कमाते ना, इस सेल में चल रहे हैं। सेल में कुछ कोई भी दुकानदार बता दे कि सेल में कोई प्रॉफिट नहीं होता। सेल में प्रॉफिट नहीं होता तो आप क्या यहाँ पे वो कर रहे हो? आप इनसे क्या कहते हैं उसको, धर्म का काम कर रहे हो क्या? धर्म का कर रहे हैं आप, बस मुझे आप इनसे कोई लोग बिल लेना नहीं लेना आप इनसे पूछो, हमारे से नहीं। किससे? कस्टमर से पूछो, हमसे नहीं। बिल लेना है मैम आपको? लेना है आपको, लेना है बिल? हाँ जी भैया, कभी कोई चीज खराब निकल जाए या ब्लैक मनी के खिलाफ इतना चल रहा, हम बिल ही लेंगे। और क्या बिल क्यों नहीं? बिल चाहिए आपको मैम? बिल देंगे तो लेंगे। बिल चाहिए अगर आपके पास, आप बेशक आप सेल में खरीद रहे हो, ऐसा तो नहीं कि ये नुकसान पे आपको बेच रहे हैं, है ना, कुछ तो फायदा हो रहा है, तो आपको बिल लेना चाहिए। लेना चाहिए, अभी मांगा था। पहले हमें ही स्टेप लेना पड़ेगा ब्लैक मनी के अगेंस्ट। सरकार को अगर हम नहीं देंगे तो कहाँ से रोड कंस्ट्रक्शन और ये सब चीजें होंगी हमारे पास ना? क्योंकि सरकार को भी बेनिफिट होना चाहिए, हम लोगों से तो सरकार बनती है ना। जब हमने एक्सपर्ट से इस बारे में बात की तो पता लगा कि आप छोटी से छोटी चीज का भी बिल मांग सकते हैं, चाहे वो सुई हो, सिगरेट हो, ज्वेलरी हो, और फिर चाहे एमआरपी पर बेचे जाने वाली वस्तु हो, आपको बिल मांगने का पूरा हक है और दुकानदार इससे इनकार नहीं कर सकता। रिक्वायरमेंट्स है, लीगल रिक्वायरमेंट, बिल पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सब बिल पे छपनी चाहिए। अगर वो छपी नहीं है, उसने एक वाइट पेपर पे स्टैंप लगा के लिख के दे दिया 50 पैसे टॉफी आप ले जाओ, उस बिल का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो ट्रेसेबल नहीं है। बिल की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि बिल के ऊपर एक यूनिक नंबर होना चाहिए, जिसको बिल बुक बोलते हैं हम लोग। बिल बुक हो, उस पे दुकान की पूरी डिटेल हो, उस पे उसका टैक्स नंबर हो, ताकि कल को अगर मैं ये पता करना चाहूँ एज ए कंज्यूमर कि मैंने इस दुकान से प्रोडक्ट खरीदा था, इसका टैक्स जमा हुआ नहीं हुआ, इस दुकान का डिटेलिंग क्या है, अगर वो ट्रेसेबल नहीं है, अगर उस बिल पे कोई जानकारी नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली वो बिल आपके काम का नहीं है, उस बिल से भी सरकार को कोई फायदा नहीं। लेकिन समस्या ये है कि लोग बिल सिर्फ तब मांगते हैं जब उन्हें गारंटी की चिंता सताती है। दवा से लेकर प्रोसेस्ड फूड खरीदने तक हम बिल नहीं मांगते, दुकानदार बिल नहीं देता, और जो पैसा हमारी तरक्की पर खर्च होना चाहिए वो सरकार तक पहुंच ही नहीं पाता। मैंने आपसे 10 रुपए की आइटम मांगी थी, है ना, आपने मुझे बिल नहीं दिया, क्यों नहीं दिया आपने मुझे बिल? बिल एक्चुअली सिस्टम पे चढ़ाएंगे, मुझे एक्चुअली सिस्टम का इसका पता नहीं है, मुझे नहीं पता है, मुझे सिस्टम का आईडी नहीं है।
भाई बिल तो हम सारे मेडिसिन के सबको बिल ही देते हैं। बिल देते हैं सबको देते हैं, लेकिन आज मुझे नहीं दिया आपने। एक्चुअली एक कॉस्मेटिक है, इसका इसमें जो है सिस्टम एक चढ़ा के होगा, तो उसका मुझे एक्चुअली आता नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मुझे कंप्यूटर के इतना है नहीं, सिस्टम तो चढ़ा नहीं, यही निकाल देता है कि बिल लोग मांगते भी नहीं, जो कि एक बहुत बड़ी लापरवाही है। आपको बिल मांगना चाहिए, और अगर इस तरीके से आपके मांगे जाने के बावजूद बिल देने से दुकानदार इनकार करता है, तो आपका पूरा अधिकार बनता है कि उस दुकानदार के खिलाफ आप शिकायत ज़रूर दर्ज कराएं। हम बिल न मांगकर अर्थव्यवस्था में वो बिल खोद देते हैं जिसमें काला धन छिपाया जाता है। आज आप जो कुछ भी खरीदें, चाहे वो माचिस हो या मोटर कार, सुई हो या सोना चांदी, हेयर पिन हो या एरोप्लेन, सेल्स टैक्स भर के खरीदेगा। सेल्स टैक्स सरकार का हक है। अगर आप 1,000 रुपए का सोना खरीदते हैं तो 4% के हिसाब से 40 रुपए सेल्स टैक्स हो जाता है। वो 40 रुपए बचाने के लिए आप दुकानदार से बिल नहीं मांगते, जिसका वो फायदा उठाता है, और वो पूरा 1,000 रुपया उसकी ब्लैक मनी में चला जाता है जो सरकार तक नहीं पहुंचता। इसलिए प्लीज टैक्स भरिए, क्योंकि वो 40 रुपए 400 रुपए का फायदा बनकर वापस आप ही को मिलेगा। अगर दुकानदार का टर्नओवर 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे सेल्स टैक्स देना ही होगा। इसीलिए आप दुकानदार से पक्का बिल जरूर मांगें, और ध्यान से देखें कि जो बिल वो आपको दे रहा है वो आइटमाइज्ड बिल है या नहीं। अगर आज रिटेलर बिल नहीं काटता है तो एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो अपनी टर्नओवर नहीं दिखा रहा है, वो ये बता ही नहीं रहा है कि मैंने माल आपको बेचा, तो नुकसान क्या हो रहा है कि कस्टमर को तो कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि आप तो वैसे भी एमआरपी पे खरीद रहे हो और एमआरपी में टैक्स लग के आ रहा है, अलग से आपको कुछ नहीं देना। लेकिन जब आप बिल नहीं लेते हो तो जो रिटेलर है आप उसको टेक्निकली कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हो विदाउट बिल, और वो जो अमाउंट आप बगैर टैक्स के ट्रांजेक्शन करते हो वो उसके टर्नओवर में नहीं आता। अगर वो टर्नओवर में आएगा तो उस पे जो टैक्स बनेगा, उस पे जो सेल वो डिक्लेयर करेगा, उसका जो टैक्स है वो उसको सरकार को जमा कराना पड़ेगा। क्योंकि वो सेल दिखा ही नहीं रहा है तो जो आपसे उसने टैक्स लिया है वो सरकार को देने की जगह वो दुकानदार अपनी जेब में रख रहा है। तो इनफैक्ट आप क्या कर रहे हो, अननोइंगली एज ए कंज्यूमर जो आदमी टैक्स की चोरी कर रहा है आप उसके भागीदार बन गए हो। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि जो पैसा सरकार के बही खाते में दर्ज नहीं होता एक तरह की ब्लैक मनी में तब्दील हो जाता है। भारत में इस वक्त 30 लाख करोड़ रुपए ऐसे हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। ये थाईलैंड और अर्जेंटीना की जीडीपी से ज्यादा है। इसीलिए सरकार चाहती है कि देश में ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हों, ताकि इस टैक्स चोरी को रोका जा सके। देखिए, जब हम पैरेलल इकोनॉमी या ब्लैक इकोनॉमी की बात करते हैं तो ब्लैक इकोनॉमी वो होती है जहां टैक्स कलेक्ट नहीं करते, और आज हम आराम से इस बात को एक एस्टीमेट ही है कि साहब 30-40% जो इकोनॉमी आपकी है वो ब्लैक की इकोनॉमी, कि इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे 1 करोड़ की सेल हो रही है, अगर वो मान लीजिए 50 लाख के बिल दिखा रहा है और 50 लाख के बिल नहीं दिखा रहा है, तो 50% की आपने ब्लैक इकोनॉमी खड़ी कर दी। उसमें अगर मान लीजिए 50 लाख में अगर 10% भी टैक्स था तो 10 लाख रुपए सरकार को जो टैक्स जाना चाहिए था वो आपने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जो ब्लैक इकोनॉमी है, जब भी आप कोई बिल नहीं लेते हैं वो अमाउंट आपने ब्लैक इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर दी। वैसे सरकार जीएसटी के जरिए कच्चे पक्के बिल की इस समस्या का पक्का इलाज करना चाहती है। आपको कच्चे बिल की चिंता ज्यादा है, ये हमारे देश में कारोबार कच्चा बिल पक्का बिल, जीएसटी के कारण व्यापारी स्वयं प्रेरित होगा पक्के बिल के लिए। इसलिए जैसे अगर मानो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो हम क्या करते हैं, हमारे मेडिकल सारे बिल बराबर संभाल के रखते हैं, कोई इधर उधर न जाए। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि वो सारा रहेगा तब जाकर के मैं क्लेम कर पाऊंगा, तब जाकर के मुझे पैसे मिलेंगे। जीएसटी में वो व्यवस्था है कि जो भी व्यक्ति हैं वो अपने बिल प्रस्तुत करेगा, उसके हित की जितनी चीजें उसके उसका रिफंड मिल जाएगा, और इसलिए ये जो पुरानी जो है कच्चे पक्के की दुनिया एक प्रकार से काले धन को भी वो मोबिलाइज करती है, इस पर ये पूरी तरह रोक लगा देगी, पूरी तरह ये बंद हो जाएगा।
ये एक प्रकार से भ्रष्टाचार को काले धन दोनों को समाप्त करने में ये व्यवस्था काम आने वाली है और उसकी दिशा में यानी अगर आप चाहते हैं कि आप देश के नायक बने तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इस टैक्स चोरी का हिस्सा बनने से खुद को बचाना है। आप बिल मांगेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था का दिल मजबूत होगा और आपको भी देश की तरक्की में भागीदारी करके खुशी होगी। निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली। और आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि फिलहाल हमारे देश में 40 ऐसी वस्तुएं हैं जो टैक्स के दायरे में नहीं आती और सरकार ये वादा कर चुकी है कि जीएसटी से भी ऐसी वस्तुओं को बाहर रखा जाएगा जो गरीबों के लिए जरूरी होती हैं। इस लिस्ट में तिरंगा झंडा, लहसुन, अदरक, ताजे फल और ताजी सब्जियां, गेहूं और चावल को छोड़कर बाकी अनाज, कांच की चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, हाथ से बनाए गए वाद्य यंत्र और स्लेट जैसी चीजों को शामिल किया गया है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि इस सूची में भी संशोधन करने की जरूरत आ गई है, क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं इस सूची में जो शामिल की गई थी, ये सूची भी काफी पुरानी हो चुकी है। यानी अगर आप इस लिस्ट में शामिल वस्तुओं को खरीद रहे हैं तो बिना बिल के बिल लिए भी काम चल सकता है, लेकिन इसके अलावा आप जो कुछ भी खरीदते हैं या कोई भी सेवा लेते हैं तो उसका बिल जरूर मांगें। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो ये कि आप टैक्स चोरी का हिस्सा नहीं बनते और दुकानदार को भी ऐसा करने से रोकते हैं, और दूसरा फायदा यह है कि इस वस्तु के खराब निकलने पर जो भी वस्तु आपने खरीदी है, मान लीजिए अगर वो वस्तु खराब निकले तो ऐसा होने पर आप दुकानदार को बिल दिखाकर उससे क्लेम मांग सकते हैं। हो सकता है कि दुकानदार आपसे ये कहे कि ये वस्तु MRP पर है, इसलिए सारा टैक्स पहले ही दिया जा चुका है। तकनीकी तौर पर वो सही कह रहा है, लेकिन उसने कितनी वस्तुएं बेची हैं इसका हिसाब बिल से ही लगाया जा सकता है। इसलिए आप दुकानदार से बिल देने के लिए जरूर कहें, और अगर दुकानदार बिल देने से इनकार करता है तो आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है, जिसके तहत आप बिल न देने वाले दुकानदार के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। आज आपको अपने आप से ये वादा करना चाहिए कि आज के बाद आप जो कुछ भी खरीदेंगे उसका पक्का बिल जरूर मांगेंगे। बिल मांगने को लेकर आपका पक्का इरादा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है।